सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम पंच परमेष्ठी भगवंतों के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज के या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का आरंभ सिखाते हैं कि हमें इंसान के साथ साथ इंसानियत वाला इंसान बनना चाहिए। आज इंसानों की संख्या तो बढ़ रही है मगर इंसानियत नहीं बढ़ रही। कहते हैं कि भगवान बनने की चाह तो बहुत लोग रखते हैं, भगवान बनने की चाह तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन इंसान तो पहले बने, क्योंकि भगवान बनने का रास्ता इंसान बनने से प्रारंभ होता है। तो आज की नीति कह रही है कि आज के इस कलियुग के दौर में इंसान तो बहुत हैं मगर इंसानियत बहुत कम लोगों के पास है। इसके तीन चार मुख्य कारण हैं, लोगों की भावनाएं, लोगों की संवेदनाएं और लोगों के रुझान। ये उनको मानवता से बड़ा दूर ले जाके छोड़ देता है। लोगों के दुख आपको दुख नहीं लग रहे, लोगों के कष्ट कष्ट नहीं लग रहे, लोगों की पीड़ा हंसी का पात्र बन रही है। जब कोई आपसे अपना कष्ट कहता है, दुख कहता है, तो आज का ये परिवेश है कि व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है। जबकि इंसानियत कहती है कि उसको सुन करके उसके लिए संवेदनाएं प्रकट करना चाहिए, और जिसमें संवेदनाएं ना हो वो इंसान इंसान नहीं है, पशु के तुल्य है, पशु के तुल्य है। मैंने संवेदनाएं जानवरों की भी देखी है, कई बार लगता है कि इंसानों से ज्यादा संवेदनाएं जानवरों में मिल जाती है, लेकिन इंसान को पता नहीं क्या हो गया है। वो भगवान ने जिस मोड में सेट करके भेजा है वो उस मोड में ही नहीं है। इंसान के पास इंसानियत तो हो, अब किसी के यहाँ दुख है, पीड़ा है, कोई तकलीफ हो गई है, उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आज का दिन वो आ गया है कि अब लोग कांधा देने भी जाते हैं ना तो पहले पूछ लेते कितनी देर और है, शमशान में भी जाएंगे तो भैया कितनी देर और है, 10 मिनट, ठीक ठीक बेटा 10 मिनट में आ रहे हैं। पैटर्न ये सेट हो गया है कि किसी के मरे में भी अगर कोई गया है तो वो चेहरा दिखाने के लिए जा रहा है, वो संतावनाओं के साथ नहीं जा रहा। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि गुरुदेव मेरे जीवन में बड़ी समस्या आ गई है, आर्थिक तंगी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरज रखो, कोई बात नहीं, धीरज रखो, भगवान की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। एक महात्मन के पास वो और गया, उन्होंने कहा एक काम करो, एक किडनी बेच दो तो तुमको पैसा मिल जाएगा 50 लाख रुपए, उससे तुम्हारा सब काम हो जाएगा। मैंने कहा ये महात्माओं के अंदर की संवेदनाएं चली गई तो फिर बचेगा क्या? तो इंसान आप हैं, इंसानियत भी लाएं। आज का दौर ये है कि इंसान तो बहुत दिख रहे हैं, इंसानियत नहीं दिख रही। पहले के दौर थे, लोग किसी के दुख में शामिल होते थे दुखी होकर के, आज शामिल होते हैं केवल चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि व्यवहार खत्म हो गए हैं तो सारे महत्व भी खत्म हो गए। आप देखो इंसान भी बड़े कमाल की चीज़ है। ड्रामा, फिल्म, जब ये कोई दृश्य देखता है ना तो कैसा संवेदनाओं से भर जाता है, रोने लगता है। इंसान भी बड़े कमाल की चीज़ है, ड्रामा में, फिल्म में किसी के दुखों को देख करके रो पड़ता है, और जब हकीकत में कोई दुखी आए तो उसको ड्रामा समझता है। ये परिवेश बन चुका है भारत का अब,
जबकि भारत पहले संवेदनाओं का देश था। राजा के पास दुखिया जाते थे, राजा उनको खुश करके भेजता था। अब कोई दुखिया चला जाए तो दुख बढ़ जाए, क्योंकि अब इससे पैसा कैसे खींच लिया जाए। बदलें, खुद को बदलें। इंसान हैं तो इंसानियत रखें। भगवान बनना है अगर किसी को, तो उसको इंसान पहले बनना पड़ेगा। और इंसान जब तक नहीं बनेगा, भगवान तब तक नहीं बनेगा। और फर्स्ट स्टेप है उसका संवेदनाएं, आपके अंदर की भावनाएं। जब भी कोई आपसे मिले तो उसे प्रीति पूर्वक मिले, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इंसान के औहदे से तो दोनों ही बराबर है ना। अगर आप इंसान देखेंगे तो भाई चले गद्दी का आदमी हो चाहे गद्दी पर ना हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, इंसान तो दोनों ही है ना। आपका बेटा थोड़ा मचल जाए और बोले चॉकलेट खाना है, तो आप उसको 100 रुपए की चॉकलेट दिला दोगे। और गरीब का बेटा मचल रहा है कि भूख लगी है, तो आप उसको एक रोटी नहीं खिलाओगे, आगे जाओ आगे जाओ। अरे पैसा मत दो, कम से कम भरपेट भोजन तो दे दो। मैंने जो दृश्य देखा था इंदौर में वो आज याद आ रहा है। फिर मुझे यकीन हो गया कि अब इंसान पैदा होना बंद हो गए हैं, अब इंसान के वेश वाले पशु पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा, सुबह सुबह हम लोग जंगल जा रहे थे, 5 बजे की बात है, वो रो रहा था, बिलख रहा था 5:30 बजे कि माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। बच्चा होगा 5 साल का 6 साल का, उसकी माँ ने कहा बेटा अभी तू सो जा, अभी खाना खिलाते हैं। 7:30-8 बजे तक उसको सुला दिया उसकी माँ ने, झोपड़ी थी वहीं बाहर रोड पर ही। फिर जब प्रवचन के लिए गए तब भी दो रहा था कि माँ भूख लगी है, उसकी माँ ने कहा बेटा देते हैं। करते करते दोपहर का, क्योंकि हमारे कक्ष से सामने ही उसका झोपड़ी थी, करते करते दोपहर निकल गई, शाम निकल गई। और बच्चा शाम को 6 बजे कहता है कि माँ अब तो मैं मरी जाऊँगा, तड़प रहा हूँ, भूख लगी है। माँ उसको पानी पिलाए, बोले रुक बेटा रुक। उसकी माँ ने जो आखिरी में बात कही वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। माँ कहती है बेटा थोड़ा और धीरज रख दे, सामने वाले घर के लोग 8 बजे झूठन फेंकते हैं। तुम झूठन फेंक रहे हो तो तुमको दिख नहीं रहा कि कोई गरीब भी है। सोचने की बात है। उस माँ से पूछो उसको अपने बेटे को पालने में कितनी मेहनत लग रही है। ये केवल रोटी की बात कर रहा हूँ, फिर कपड़ा भी है और मकान भी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं, सोचना विचार करना कि कभी अपन ने इंसानियत के काम के लिए कदम आगे बढ़ाया हो। कोई दुखिया हो उसके दुख को दूर करने के लिए कदम आगे बढ़ाया हो, नहीं बढ़ाया। क्योंकि अपन इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बस अपना अपना देखना है। अगर कोई दौड़ रहा है ट्रेन में, ट्रेन के बाहर, और ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो आप उसको हाथ नहीं दोगे, लेट क्यों आए हो ये बोल करके छोड़ दोगे, भले ही वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर जाए। कोई पूछ रहा है, कोई वृद्ध सामने बैठा है, उसका बैग उठा के बाहर तक नहीं रखोगे, क्यों? हम कोई कुली हैं क्या? अरे कुली नहीं हो, इंसान तो हो। संवेदनाएं लाएं और भावनाएं लाएं। आज आप किसी की मदद करोगे, कल काल चक्र घूम करके आपकी मदद करेगा। अगर आपके अंदर भावनाएं होंगी तो राम के चरित्र से हर कोई परिचित है। उन्होंने जटायु की रक्षा करी, पूर्व में पद्म रुचि की पर्याय में बैल को नमोकार महामंत्र सुनाया, लेकिन लोगों को उस समय लगा कि कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन देखो वही सुग्रीव, वही बैल का जीव सुग्रीव बनकर के आया और मदद करी। वही जटायु का जीव उनके पास लौट करके आया, जब वो लक्ष्मण के शव को लिए थे तब उनकी सेवा करी। यहाँ तक कि अगर जीव भावनाओं से जोड़ता है खुद को, तो भगवान बनने में भी लोग उसकी मदद करेंगे। रास्ते में कोई जानवर गंभीर स्थिति में मिल जाए, नाक बंद करके आप दौड़ तो लगा लोगे, कभी सोचा कि रुक के नमोकार सुना दूं? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इंसानियत नहीं है।
ये जो आज की मैं नीति दे रहा हूँ, अगर ये नहीं आई आपको समझ में, तो जितनी पहले सुनी है और जितनी बाद में सुनेंगे किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। मंदिर आए, सोने की थाल में चांदी की द्रव्य चढ़ा दी, पत्थर के पाषाण के भगवान को, लेकिन जो बाहर बनने वाला भगवान बैठा उससे कोई मतलब नहीं है। नो इश्यूज, कोई दुखी हो तो भी रह जाए, नो इश्यूज, क्योंकि भावनाएं खत्म हो गई हैं। इंसानियत जगाने के लिए जैसा आप अपने परिवार, अपने बेटे, अपने मित्रों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही अपने जैसा अपने परिवार, मित्र, इष्टजन के लिए सोचते हैं, ऐसे ही उनके लिए भी सोचें जो गरीब हैं। अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, किसी गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा देना, इंसानियत है, दया है। भावनाओं को जागृत करें, अपने अंदर से भावनाओं को जागृत करें। जो बेसहारा हैं उनको सहारा देना सीखें। एक बेसहारा को दिया गया सहारा कभी आपके लिए बहुत काम आएगा। बचपन में सभी ने वो कहानी पढ़ी थी कि शेर की गुफा में चूहा चला गया और शेर ने पंजे से पकड़ लिया, मारा नहीं। चूहे ने कहा कभी मैं भी काम आऊँगा, मैं तू क्या काम आएगा। जब शिकारी ने जाल फैलाया तो उस चूहे ने ही जाल काटा था। यद्यपि ये काल्पनिक कहानी है लेकिन शिक्षा के लिए है। और चूहे ने, शेर ने भी सोचा कि इतने चूहे से मेरा क्या पेट भरेगा, इतने से चूहे से मेरा क्या पेट भरेगा। उसने कहा चलो जाने दो। एक समय की दया, उसने चूहे की रक्षा करी, उसकी भी रक्षा हो गई। भावनाएं लाएं, ये भावनाएं लाएं कि हमें जैसा हम अपने लिए सोच रहे हैं वैसा हमें दूसरों के लिए भी सोचना है। क्योंकि इंसान भी अब बड़े कमाल का हो गया है, फिल्म्स देखता है, सीरीज देखता है, ड्रामा देखता है, उसमें रोता है, वो ये कितना दुखी है बेचारा, कितना दुखी है। और कोई सच में दुख बताता है ना तो बोलते ड्रामा कर रहा है। ये लाइफ में एक चेंज लाएं, संवेदनाएं लाएं। सेकेंड स्टेप, संवेदनाएं। जब संवेदनाएं आएंगी तो आप सामने वाले के दुख को दुख समझोगे, किसी के दुख को तो समझो। कोई दुखी है, पीड़ित है, अच्छा हाथ टूट गया, अच्छा अच्छा हुआ मुंह नहीं टूटा, अच्छा वो भी टूट जाता, क्या दिक्कत। किसी के यहाँ दुख में गए तो वहां मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं, ये संवेदनाओं के विपरीत कार्य है। किसी के यहाँ खुशी में गए तो वहां दुखों की बातें कर रहे हैं, ये संवेदनाओं के विपरीत कार्य है। राम से मिलो आप, क्या संवेदनशील इंसान थे, इसलिए भगवान बन गए। वो जब ब्राह्मण के यहाँ गए और ब्राह्मण ने भगा दिया तो भी वो शांत थे, चलो ठीक। जब लंका जीत ली तो भी वो शांत थे, उन्होंने विभीषण को रोता देख करके उसको संवेदनाएं देने गए, ये नहीं कहा कि अच्छा मरा तेरा भाई। फिर वहां से उठ करके कुंभकर्ण इंद्रजीत के पास गए कि देखो रावण का मरण हो चुका है, अब आप धीरज बांध के रखना। फिर रावण की 18,000 स्त्रियों को धीरज बनाया, किसने, राम ने, राम तो जीत चुके थे ना, अब उनको ताड़ित करना चाहिए था। राम ने कहा नहीं, ये इंसानियत के विरुद्ध है। पहले जो युद्ध होते थे वो बराबरी के होते थे, अब युद्ध जो है बराबरी के नहीं हो रहे, वो केवल जीत और हार के लिए हो रहे हैं। हमारा स्टेटस हाई होना चाहिए, ये इंसानियत नहीं है। मेरा जो लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरा सबसे कहना है इंसानियत को जागृत करें। कोई भूखा हो तो उसको भोजन दें, कोई प्यासा हो तो उसको पानी दे दें, कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा दें। कभी जाके देखो अनाथ आश्रम में, मैं एक पुनर्वास केंद्र में गया था, मेरे तो अभी भी वो बात सोचता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 13 वर्ष की बच्ची ने, 13 वर्ष की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। कितने वर्ष की, 13 वर्ष की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में उपस्थित हो गई और जब उसने डिलीवरी दे दी नॉर्मल एम्बुलेंस में, डॉक्टर कह रहा है पहले रिपोर्ट लिखा के लाओ, वो ब्लीडिंग हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, बोले पहले रिपोर्ट लिखा के लाओ फिर देखेंगे।
वहां पहले पुलिस वाले के पास है, तब तक तो बेचारी मर जाएगी। नहीं, पर्चा नहीं बना, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? संविधान को भी बदलना पड़े तो बदलें, संविधान पहले इंसानियत लाएं। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान को भी बदलना चाहिए। ये भारत की भूमि, राम की भूमि, भारत की भूमि, कृष्ण की अहिंसा की भूमि। और यहाँ पर जितने वो कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउस हैं, उन सबको एग्रीकल्चर कहा जाता है, कृषि कहा जाता है, मछली पालन केंद्र, पालन केंद्र है कि मारन केंद्र है, मुर्गी पालन केंद्र, सोचो आप। क्योंकि अब संवेदन शून्य होता जा रहा है, हर कोई मनी माइंडेड हो गया है, पुण्य माइंडेड नहीं बचा। आप इस नीति को अंदर से उतारना, संवेदनाएं और भावनाएं, अगर कोई तड़प रहा हो तो अगर आपके अंदर संवेदनाएं नहीं आ रही हैं, उसको बचाने की भावना नहीं आ रही, अभी आप इंसान नहीं है, आप इंसान के ढांचे में एक पुतला है। वो जो शर्ट टी शर्ट्स सलवार सूट्स बिकते हैं ना, वो रेडीमेड की दुकान के बाहर, वो पुतले खड़े रहते हैं ऐसे, सुंदर सा चेहरा, सुंदर से बाल, वैसे ही आप भी हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सीखें। अगर राम को मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं, तो उनके जैसे संवेदनाएं भी सीखें। बिना संवेदनाओं के इंसान इंसान नहीं बचता। तो आज की इस नीति को अपने जीवन में जरूर उतार के रखना। संवेदनाएं, किसी के दुख को देख करके आप भले ही दुख दूर ना कर पाओ, कम से कम सुन ही तो लो। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, प्रिकॉशंस, उनकी अपनी संवेदनाओं से उनके दुखों को सुनना, लेकिन उनके दुखों को अपने अंदर मत रखना। अगर आपने उनके दुखों को अंदर रख लिया तो तुम भी दुखी हो जाओगे, अगर आपने उनके दुखों को अंदर रखा तो तुम भी दुखी हो जाओगे, फिर सुख नहीं बचेगा। एक डॉक्टर जाता है क्लिनिक, तो वो जाता है, इलाज करता है, वहाँ बहुत बीमार लोग आते हैं, दुखी आते हैं, सबको देखता है, बड़े बड़े रोगी के लोग आते हैं, ऐसा भी लोग आते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, और जितना पैसा वो पूरे इलाज में खर्च हो जाएगा, फिर भी डॉक्टर देखता है, आगे दवाई दे करके भेज देता है, वो दुख घर पर नहीं लाता। आप भी दूसरों का दुख देखें, दुख दूर करें, लेकिन उनके दुख घर तक ना लाएं। अगर घर तक वो दुख ले आए तो आप भी दुखी हो जाएंगे। ये प्रिकॉशन भी रखना, तो आप अपने इंसान के साथ साथ इंसानियत वाले इंसान बन जाएंगे। आज का दौर बदल चुका है, इंसान तो पैदा हो रहे हैं, इंसानियत भगवान नहीं डाल रहा। अगर भगवान इंसानियत भी डाल के भेज दे तो क्या बात है। लेकिन भगवान को भी पता है कि कलियुग के लोग हैं, तो उतना ही मिश्रण करके भेज रहा है जितना जरूरी है। ये अब इस नीति को जीवन में उतार के रखना। किसी के जीवन में दुख दिखे तो सुन लेना, हो सकता है कि आपके सुनने मात्र से उसके दुख दूर हो जाए। ये संवेदनाएं, ये भावनाएं आपके अंदर इंसानियत जागृत करेगी, और इंसानियत जागृत हो गई फिर आप एक बार भगवान बनने में आपको देर नहीं लगेगी, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की